गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास सेवेंथ हिंदी मीडियम। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आपका एमएस वर्ड। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से, आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। पेज नंबर 29। देखिए, आपको पता है कि एमएस वर्ड क्या है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके प्रयोग से हम डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तथा उसमें संशोधित कर सकते हैं। बात करते हैं वर्ड का टूलबार। आपको पता है जो आपकी टूलबार है उसमें कितने होते हैं, उसमें आपके 9 मेन्यू होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल्स, विंडोज और हेल्प। इसमें क्या होती है, आपकी अलग अलग आपकी जो है कमांड होती हैं, जैसे फाइल में सेव करना या एडिट में चेंज करना, सबके अलग अलग कमांड होते हैं जिसके प्रयोग से आप किसी भी दस्तावेज होते हैं डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं इसी में आगे सेलेक्ट करने की विधियां। देखिए, जब भी आप किसी चीज को करते हैं, आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसमें आप कुछ परिवर्तन करें। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं वर्ड को सेलेक्ट करना। देखिए, वर्ड क्या होता है, जो भी आप लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है एमएस वर्ड के अंदर राम इज ए बॉय, और अगर आपको किसी भी शब्द को सेलेक्ट करना है तो आपको उस शब्द पर डबल क्लिक करना होगा, केवल उसी शब्द पर। जैसे मैंने राम पे जो है डबल क्लिक किया विद द हेल्प ऑफ माउस की सहायता से, तो राम क्या होगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और ये ब्लैक कलर से जो है शो हो जाएगा, आपको अलग ही दिखाई देगा। आप देख सकते हैं डायग्राम में। सेकंड है लाइन को सेलेक्ट करना। आपको जिस पंक्ति को भी, यानी जिस लाइन को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाई ओर पॉइंटर को ले जाइए। पॉइंटर क्या होता है, यानी माउस कर्सर को ले जाइए, और जब तक आप कर्सर को एक बार के वन के आकार का ना हो जाए उस पर आप क्लिक कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ, जैसे आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है तो उसके मैंने राइट क्लिक क्या ले गया, माउस को ले गया, और यहाँ पे क्या करना है आपको क्लिक करना है। क्लियर। बात करते हैं किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना। देखिए, कॉलम ही आपको पता है ये क्या, आपकी टेबल है जो रो होता था कॉलम से मिलकर बनती है। अब आपको अगर किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको उसी कॉलम के पास जाना है जो सिलेक्ट करना है, और माउस बटन को फिर से दो बार प्रेस कीजिए तो आपका जो कॉलम है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही आपके लैब वर्क है, जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे आपको लैब में करवा दिया जाएगा। बात करते हैं ऑल को सेलेक्ट करना। ऑल का मतलब होता है जब आप संपूर्ण पेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, पूरे के पूरे पेज को, जैसे ये है आपका पूरे का पूरा, जैसे वगैरह मैंने कुछ लिखा हुआ है और आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल प्लस ए दबाएं। कीबोर्ड की जो कीज है उसमें होता है कंट्रोल के साथ ए प्रेस कीजिए, आपका पूरा का पूरा पेज एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। दिस मीन्स ये वर्क आपको उतारना नहीं है, केवल समझना है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।